ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज। और ये स्टॉक ऐसा नहीं कि मैं पहली बार जाऊं, ये कम से कम मैंने 2 बार पहले जेम्स में दिया और हर बार टारगेट अचीव, और अभी भी मुझे ये स्टॉक बहुत बढ़िया लगता है। ल्यूमेक्स ऑटोटेक की खास बात मैं बता देता हूँ। देखिए, तो एक जो मैनेजमेंट है इसका, डीके जैन ग्रुप, बहुत ही क्वालिफाइड मैनेजमेंट है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एल्यूमनाई है, और प्लस मिस्टर जैन काफी मतलब जो एक्मा और ये जो एसोसिएशन होती है ऑटोमोटिव कंपोनेंट, उसके भी प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, तो उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। और दूसरी बात ये है, काफी पुरानी कंपनी है, 1981 से कंपनी कार्यरत है, और कंपनी जितने भी सेगमेंट्स, और ऑटो एंसिलरी तो मैंने बहुत सारे स्टॉक्स दिए ही वन आफ्टर द अनदर, बट ये कंपनी उनमें से भी बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत ज्यादा फंडामेंटली साउंड लगती है। एक तो इनके जो गियर शिफ्टर्स है, ये एक प्रोडक्ट है जो कि आजकल देखिए मैनुअल से ऑटोमेटिक का जो है वो काफी पिकअप कर रहा है डिमांड, तो मुझे लगता है कि ये जो डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है और जिन सेगमेंट्स में लीडर है गियर शिफ्टर्स में, तो बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इनका, 60 से 70% के लगभग मार्केट शेयर है। और कंपनी प्लास्टिक मोल्डेड प्रोडक्ट्स, ऑटोमोटिव लैंप्स, फ्रेम चेसिस, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए बनाती है, और 2 व्हीलर्स तो अच्छे चल ही रहे हैं, 3 व्हीलर्स और सीवीज के लिए भी काफी पार्ट्स बनाती है, और करीब 7 ग्लोबल प्लेयर्स है, बड़े बड़े ग्लोबल प्लेयर्स के साथ इनके टाइप्स है, और 15 प्लांट्स है। जब मैंने लास्ट टाइम दिया था तब 13 प्लांट्स थे, अब कंपनी के 15 प्लांट्स है, और अच्छी ऑर्डर बुक पोजीशन है, तो इसलिए एक्सपेंशन भी बढ़िया की है। और अब मैं फंडामेंटल्स पे और आता हूँ, तो 17 के P/M पे सस्ता लगता है, 2.25% का डिविडेंड यील्ड बढ़िया लगता है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19%, अगेन वेरी इंप्रेसिव। और डेट्स बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा मैं, 0.30 की डेट इक्विटी है, विच इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल, और पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर भी 15% के लगभग रही है। लाजमी है कि बीच में थोड़ा सा कोरोना की वजह से अफेक्टेड जरूर हुए थे, बट फिर भी ये कंपनी का जो लास्ट ईयर गया है मार्च 2022 में हाइएस्ट एवर प्रॉफिट है, 70 करोड़ का पैट कंपनी का रहा है, तो 1200 करोड़ की कंपनी, 70 करोड़ का पैट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो काफी कॉन्फिडेंस आता है, 60% 55-56% के लगभग प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है, और FIIs DIIs करीब 26% के लगभग इसमें होल्ड करते हैं। सो आई थिंक इस स्टॉक को लेना चाहिए लेवल्स पे, 210 का ऊपर हाइस दिखाया हुआ है, वहां से थोड़ा करेक्ट लाजमी हुआ है, तो अच्छा सपोर्ट भी है, 150-60 का रेंज बहुत बढ़िया सपोर्ट है, तो कहीं भी अगर कोई करेक्शन भी है मार्केट में तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए, और इन लेवल्स पर भी लेके 210 का टारगेट लगा।